जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ष 2023 में शुरुआती जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं। यानी वर्ष 2023 की जब शुरुआत होगी तो उसमें सबसे पहला जो परिवर्तन और बड़ा मुख्य परिवर्तन वो होगा शनि का 17 जनवरी 2023। बाकी किसी अन्य ग्रह का मुख्य परिवर्तन इन 3 महीनों में नहीं मिलेगा। अब जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में आपकी राशि से ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वो कैसी रहेगी, कि भाई ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई है, इसलिए यह वीडियो गोचरीय सिद्धांत पर आधारित है। इसे आप कभी भी ये ना समझें कि यह आपकी पूरी कुंडली का फलित है। ये गोचरीय सिद्धांत है और चंद्रमा से गोचर देखते हैं और उससे हम आपके जीवन में बताते हैं कि क्या घटना घटने की संभावनाएं बनेंगी, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। इसलिए हम चंद्रमा से यहाँ गोचर देख सकते हैं क्योंकि सभी के हॉरोस्कोप हमारे पास नहीं होता। इस वीडियो में हमारी विशेष चर्चा रहेगी कि जीवन के सभी मुख्य पहलू, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी है, प्रमोशन है, तरक्की है, स्वास्थ्य है, मान सम्मान है, वैवाहिक जीवन है, सभी पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आपकी राशि है मेष राशि और मेष राशि के जो लॉर्ड है वो मंगल, यानी वो आपके लिए बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। त्रिमासिक राशिफल बनाने का जो तात्पर्य है वो सीधा सीधा यही है कि आप आने वाले 3 महीने के अंदर कोई भी ऐसी योजना बनाकर काम कर सकते हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, वो ग्रह हमें रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। तो जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर विशेष चर्चा हमारी यहाँ रहेगी, जिसमें सबसे अच्छी शुरुआत शनि देव आपको दे रहे हैं कि शनि देव आपकी राशि से कर्म भाव के अंदर गोचर करते हैं। लेकिन शुरुआती 3 महीने में ये शनि जनवरी 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में पहुँचेंगे। अब बहुत मोटा सिद्धांत के राशि से 11वें घर के अंदर अगर अशुभ ग्रह का ट्रांजिट हो तो वो सफलतादायक होता है। कहते हैं 3, 6, 11 भाव के अंदर शुभ ग्रह अशुभ ग्रहों का जाना अच्छा है। तृष्णाएं भाव में अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, इच्छाओं का दमन करते हैं, काम पे फोकस रखते हैं, क्योंकि शनि जब एकादश में बैठेंगे तो आपकी राशि पर दृष्टि देंगे ही देंगे। यानी मेहनत कराने वाला ग्रह शनि आपके लिए हाजिर हो गया है 17 जनवरी 2023 के बाद। कर्म और लाभ दोनों का फायदा देंगे शनि। यानी ये 3 महीने में शनि आपको कर्म भी देंगे, लाभ देंगे, तरक्की देंगे, प्रमोशन देने में सक्षम है। यानी इस ग्रह ने एक शुरुआत कर दी है कि मैं आपके 11th में आ गया हूँ, आपको लाभ की चिंता नहीं करनी, आपको अपने कर्म पर फोकस करना है कि आप अपने कर्मों को किस प्रकार से अच्छा रख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखो। बाकी कर्म कराना और कर्म का लाभ देना, अपनी एनर्जी को कहाँ किस तरीके से लगाना है उस पर ध्यान दो, बाकी सब शनिदेव पर छोड़ दो, वो आपके लिए फेवरेबल हैं, बेनिफिशियल हैं, आपको रिजल्ट देने में सक्षम। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि लगातार आपकी शिक्षा के लिए आपको प्रेरित करेगी कि कुछ ऐसा कीजिए, कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कीजिए, कुछ सीखिए अपने जीवन में जिससे आप आगे बढ़ सको। अगर राहु आपकी राशि के अंदर बैठा है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये राहु निर्भीक भी है, साहसी भी है, उत्तेजित भी है, लेकिन जल्दबाजी में गलत डिसीजन दिलाने वाला भी है। इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, इसका मतलब है थोड़ा समय चैलेंजिंग होगा, सोच समझ कर कार्य करने की जरूरत है, अफरा तफरी में कोई डिसीजंस नहीं लेना है, कोशिश ये करनी है कि अपने आप पे धैर्य रख के काम करो। क्योंकि मेष राशि वाले जातक कुछ जोशीले, कुछ जल्दबाज और कुछ क्रोधी किस्म के देखे गए हैं, यानी एग्रेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, अन्यथा आप अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर बैठोगे। और सुचारू रूप से काम करोगे, धैर्य से काम करोगे तो राहु भी और शनि भी दोनों आपके फेवर में रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं शनि ने एक अच्छी रूपरेखा वर्ष 2023 के शुरुआत होते ही आपके जीवन में डाल दी। अब आपकी राशि से भाग्य बनाने वाले ग्रह और राशि से द्वादश के ग्रह कौन है, वो बृहस्पति है। ये बृहस्पति नवम और द्वादश दोनों के फल देने वाले हैं। जब नवम और द्वादश दोनों के फल देंगे तो इसका मतलब है भाग्य भी इस ग्रह के पास है, तो एक्सपेंडिचर, खर्च, यात्रा भी इसी के पास है। ये 12th हाउस के अंदर है। देखा गया कि जब 12वें घर में बृहस्पति हो, अपनी राशि के अंदर हो, तो ये चाहे प्रोफेशनली हो चाहे एजुकेशनली हो, दोनों तरीके से अच्छा है। यानी काम धंधे के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, सभी तरीके से अच्छा है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में है, पीड़ित नहीं है, स्वराशि के हैं, इसलिए 12वें घर से संबंधित। यानी खर्च पे भी कंट्रोल रखेगा ऐसा ग्रह।
कहाँ कैसे खर्च करना है उसके लिए अच्छा है। बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि पड़ रही हो चौथे भाव पर, तो इसको कहते हैं ऐसा ग्रह भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों के लिए अच्छा है, रोग भगाने में अच्छा है, शत्रुओं का दमन करने में अच्छा है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा। क्योंकि आप देखिएगा जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में शनि की 10वीं और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि से अष्टम भाव पे आती है, यानी किसी भी प्रकार का विवाद पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि चल रहा है तो सॉल्व होगा। कभी कभी व्यक्ति को ससुराल पक्ष से भी ऐसे समय में फायदा मिल जाता है, कोई सहयोग आप चाहते हैं तो सहयोग मिल जाएगा, या कभी कभी कुछ लाभ ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको फायदा मिल जाता है कि भाई ये मेरे हिस्से का मुझे मिल गया, ससुराल ने मुझे सहयोग कर दिया या ससुराल ने मुझे दे दिया एज ए गिफ्ट दे दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, यहाँ आपको बड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल सामान्यतः 45 से 50 दिन तक एक राशि में रहता, लेकिन इस बार मंगल लगभग 5 से 6 महीने तक एक ही राशि के अंदर है। अब जब हम आपके सामने जो ये ट्रांजिट है, आपके सामने जो ये गोचरीय स्थितियाँ हैं, ये है 1 जनवरी 2023 की, कि जनवरी 2023 जब शुरू हुआ तो मंगल जो आपकी राशि का लॉर्ड है वो राशि से दूसरे घर के अंदर पहुंच गया, यानी धन भाव के अंदर गोचर कर रहा होगा और वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है, लेकिन जैसे ही 13 जनवरी आपके जीवन में आता है तो ये मंगल सीधा हो जाएगा, सीधा मतलब डायरेक्ट अवस्था में, यानी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपकी राशि का लॉर्ड 13 जनवरी के बाद इसी राशि के अंदर मार्गी होगा, यानी वक्रत्व खत्म, यानी अब ये ग्रह कार्य में डिले नहीं देगा, अब ये ग्रह धनदायक बनेगा। अब इस मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शनि और बृहस्पति भी इस भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, मंगल भी दे रहे हैं, यानी फिर से अष्टम भाव से संबंधित कुछ अच्छी स्थिति होने वाली है। अब आठवां घर गड़ा हुआ धन भी होता है, आठवां घर छुपा हुआ पैसा भी होता है, आठवां घर फंसा हुआ धन भी होता है कि मेरे पैसे किसी ने ले लिए थे वो वापस दे नहीं रहा, तो उसके लिए भी आठवां घर जाना जाता है। तो बड़ी अच्छी सिचुएशन जनवरी फरवरी मार्च के महीने में इन कामों से संबंधित आपके जीवन में बन रही है। अब जब मंगल धन भाव में रहेंगे, इसका मतलब राशि का धन से संबंध बन गया, ये ग्रह आपके लिए फेवरेबल हो गया, ये ग्रह आपके लिए पैसा देने वाला हो गया, ये मंगल 13 जनवरी से लेकर और लगभग लगभग 12 मार्च तक इसी राशि में रहेंगे धन के भाव के में। मंगल की दृष्टि होगी चौथे भाव पर, सॉरी पंचम भाव पर, और मंगल की दृष्टि होगी 9वें भाव पर, यानी ये कॉम्बिनेशंस धनदायक तो है ही, वो धन शिक्षा से भी आ सकता है, वो धन संतान से भी आ सकता है, वो धन आपकी बुद्धि से आएगा, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। 9वें भाव पर मंगल की दृष्टि अचानक से भाग्य में प्रबलता, अचानक से भाग्य में परिवर्तन देने वाली है, यानी अगर देखें तो मोस्टली टाइम जनवरी फरवरी और मार्च में मंगल एक बेहतर धन योग बना के चलेंगे, ये स्थिति से भी धन देंगे, ये दृष्टियों से भी धन देंगे, लेकिन मंगल जब सेकंड हाउस में हो, आपकी राशि में जब मंगल हो तो आपको ब्लंट नहीं बनना है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना जिससे दूसरों को दर्द हो, दूसरों को चिंता हो जाए, परिवार के अंदर कलह उत्पन्न ना हो जाए कि इसकी भाषा शैली खराब हो गई, ये किसी को कुछ भी बोल देता है या कुछ भी बोल देती है, दोनों के लिए नियम अप्लाई होता है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। सफलता जब ही मिलेगी जब आप ठीक होंगे, क्योंकि कर्म आपके हैं, आप अपने कर्मों से उस प्लैनेट्स की खराब स्थिति भी ले सकते हो और अच्छी भी ले सकते हो, अपना जोश अपना टारगेट अपनी एनर्जी सही जगह पर आपको लगानी है। तो बहुत सुंदर है मंगल इस 3 महीने के अंदर आपके लिए। अब आप देखिए शिक्षा स्थान के मालिक मंगल सूर्य राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब पंचम भाव विद्या का, शिक्षा का, बुद्धि का, संतान का है, यानी ये समय फेवरेबल है आपके लिए, इस दौरान कंसीव हो सकता है आपको, इस दौरान संतान प्राप्ति होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि आ रही है यहाँ पंचम भाव पे, वही मंगल सूर्य पर भी दृष्टि देगा जो 9वें भाव में है। अब सूर्य की स्थिति को आप देखें, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक ही ये जो सूर्य है ये मकर राशि के अंदर रहेंगे, यानी सूर्य का पहला परिवर्तन होगा मकर में, कब होगा 14 जनवरी से 13 फरवरी, फिर सूर्य एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, यानी पहले कर्म भाव में फिर लाभ भाव में। शुरुआत कहाँ से हो रही है, भाग्य से, पहले त्रिकोण में फिर केंद्र में और फिर लाभ में, यानी पहले भूमिका बनाई ग्रह ने, फिर कर्म कराया, फिर लाभ दिया, यानी वो सभी स्टूडेंट्स जो अपनी शिक्षा पूर्ति करके नौकरी की तलाश में है उनके लिए बड़ा ही बेहतर समय है। क्या मैंने कुछ सीख लिया, क्या मुझे प्लेसमेंट मिल रही है, क्या मुझे नौकरी मिल रही है, तो बड़ा ही अच्छा समय है। सूर्य लगातार 3 महीने पूरी तरीके से आपके फेवर में दिखाई दे,
वहीं धन भाव के मालिक सप्तम भाव के मालिक शुक्र दशम भाव में बुध के साथ कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय है, सरकारी क्रियाकलापों के लिए अच्छा समय है। धन के लिए तो अच्छा हो ही गया क्योंकि धन भाव के मालिक शुक्र बैठे हुए हैं दशम भाव में, ये भी एकादश में फिर उच्च के हो जाएंगे, यानी लगातार प्लेनेटरी पोजिशंस आपके फेवर में नजर आ रही है। यानी वर्ष 2023 के अंदर ये जो शुरुआत हो रही है 3 महीने की, जनवरी फरवरी और मार्च की, ये आपके लिए बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है कि कर्म के मालिक, लाभ के मालिक, भाग्य के मालिक, राशि के मालिक सभी आपके लिए फेवरेबल हैं। जिसमें ध्यान क्या रखना है वो मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा और शिव जी की पूजा आप अपने जीवन में डाल लीजिए, इन 3 महीने करिए, सहजता से काम करिए, जल्दबाजी से दूर रहिए, धैर्य रख के काम करिए, तो देखिएगा मेष राशि वालों आपके लिए किस्मत चमकने के होंगे ये 3 महीने। तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन हमें यहाँ दिखाई दी, वैवाहिक स्तर पर भी ये समय बड़ा ही अच्छा है, यानी अगर विवाह नहीं हुआ है, रिश्तों की बात चल रही है, तो हाँ शुक्र ग्रह विवाह कराने वाला ग्रह भी इस दौरान बनेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि मेष राशि के जातकों के लिए शुरुआती 3 महीने जनवरी फरवरी और मार्च कैसे रहेंगे, उसके बारे में मैंने आपको विशेष जानकारी दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।